अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और हमारा नोटिफिकेशन पाने और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेकी की राह। शीत ऋतु अपने चरम पर थी। चारों ओर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ एक सुंदर सा गांव था। वहां एक छोटी लड़की रहती थी। उसे अपने सहेली के घर जाने की इच्छा हुई। वह अपने हाथ में सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा लेकर घर से निकली। उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े को देखा। मैं भूखा हूँ, उसने कहा, मुझे कुछ खाने को दो। लड़की ने उस रोटी का टुकड़ा उसे दे दिया। वृद्ध ने अपने दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक छोटा बच्चा मिला। बच्चे ने लड़की से प्रार्थना की कि मुझे ओढ़ने के लिए कुछ दो। लड़की ने थोड़ी देर सोचने के बाद झटपट अपना शॉल निकालकर उसे दे दिया। थोड़ा आगे गई, एक बच्चा ठंड से कांप रहा था। लड़की को उस पर दया आ गई। उसने अपने मफलर से बच्चे को ढक दिया। थोड़ा आगे चलने के बाद अब वह खुद सर्दी से कांपने लगी। वह पेड़ के नीचे दुबक कर बैठ गई। अगले ही पल उसने तारों को आसमान से नीचे गिरते देखा। जब उसने गौर से देखा तो वह सोने के सिक्के थे। उसका शरीर सुंदर कपड़े से ढक गया। उसके पैरों में जूते थे, गले में मफलर थी। उसके सामने एक सुंदर सी टोकरी थी जो फलों और मिठाइयों से भरी हुई थी। भगवान ने उसकी दयालुता के लिए उसे आशीर्वाद और इनाम दिया था।